आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। भारतीय किसान यूनियन द्वारा आयोजित पुरकाजी में एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में वीर अब्दुल हमीद, सरदार भगत सिंह और पुलवामा के शहीदों के परिवारों के सम्मान में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुंबई से आए कलाकारों ने समा बांधा। SDM सदर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। हजारों की भीड़ ने शहीदों के परिवारों पर पुष्प वर्षा की। इस कार्यक्रम की सामूहिक राष्ट्रगान से शुरुआत हुई और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए सामूहिक मौन रखा गया। भगत सिंह के भतीजे किरणजीत सिंह ने 23 मार्च पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की वीरता और शहादत की कहानी बताई। जमील अब्दुल हमीद ने कहा कि देश के युवाओं को जहीर फारूकी जैसा बनना होगा। कार्यक्रम में हजारों की भीड़, सैकड़ों महिलाओं की मौजूदगी और सर्वधर्म के लोगों की मौजूदगी ने एक शाम शहीदों के नाम को बेमिसाल बना दिया। हजारों की भीड़ ने राष्ट्रगान गाया और मौन धारण हुआ। राकेश टिकैत के गरमाने पर प्रशासन को रात में 11:30 बजे ज्ञापन लेने आना पड़ा। मुजफ्फरनगर से राशिद खान की विशेष रिपोर्ट। दोस्तों, ये जो शहीदों के सम्मान में आज कार्यक्रम है, 23 मार्च का दिन खास तौर से इसीलिए चुना गया था कि आज के दिन श्री भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी को फांसी पे चढ़ाया गया था। और जब मैंने ये बात वीर अब्दुल हमीद साहब के पोते से बताई कि पुरकाजी के अंदर एक सूली वाला बाग है, उसकी इस कदर अनदेखी की गई कि 417 लोग वहाँ पर शहीद हुए और आज तक वहाँ पे हिंदुस्तान की सरकार के किसी नुमाइंदे ने, किसी सरकारी अधिकारी ने झंडा तक नहीं फहराया, तो उन्होंने भी बहुत अफसोस मनाया। किरणजीत सिंह जी ने भी बहुत अफसोस मनाया और आज आप आते ही सबसे पहले पुरकाजी के सूली वाला बाग पे गए और वहाँ श्रद्धांजलि दे गए। तो दोस्तों, आपके बीच में आज हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े परिवार से लोग मौजूद हैं और मैं ये चाहूंगा कि वो बीच बीच में अपनी बात आपसे कहते रहे, आप लोग उन्हें सुने। शायद आज का दिन पुरकाजी के इतिहास में दोबारा ना आए, क्योंकि आपके बीच में दो ऐसे महान परिवार और हाल ही घटना पुलवामा में शहीद हुए दो ऐसे परिवार के लोग मौजूद हैं।